संगमनि वसूनां चिकितुषी प्रथमा यज्ञियानां तां मा देवा व्यदध पुरुत्रा भूरिस्थात्रां भूय विषयन्ति। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा। नमस्कार, भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला के इस नए अंक में आप सभी दर्शकों का बहुत बहुत स्वागत है। पिछले अंक में हमने देव गुरु बृहस्पति और चार वाक सिद्धांत के बारे में बात की, लेकिन क्या आप नहीं जानना चाहेंगे कि चार वाक सिद्धांत को ये नाम किस ऋषि वैज्ञानिक के नाम पर मिला और इस वैज्ञानिक दर्शन को इतना विरोध क्यों मिला कि इसका अपना कोई साहित्य नहीं मिलता? महर्षि चार वाक और चार वाक दर्शन से जुड़े इन सभी प्रश्नों के उत्तर आज हम आपको देने वाले हैं, तो हमारे साथ आखिर तक बने रहिए और देखते रहिए कथा महर्षि चार वाक की। ऋषि चार्वाक का जन्म 543 विक्रम संवत पूर्व का बताया जाता है। ऋषि चार्वाक को बृहस्पति का शिष्य और बृहस्पति द्वारा प्रस्तुत लोकायत या चार्वाक दर्शन को प्रचारित और प्रसारित करने वाला कहा जाता है। कुछ विद्वानों का मानना है कि बृहस्पति के शिष्यों को चार्वाक के नाम से जाना जाता है। चार्वाक के नाम से कोई ऋषि नहीं हुए हैं, क्योंकि चार्वाक दर्शन से जुड़ा कोई भी साहित्य सीधे तौर पर प्राप्त नहीं होता। चार्वाक दर्शन के विषय में स्पष्ट उल्लेख केवल माधवाचार्य द्वारा रचित सर्व दर्शन संग्रह में ही मिलता है। चार्वाक और चार्वाक दर्शन की ये जानकारी ये बताती है कि चार्वाक ने बृहस्पति की वैज्ञानिक सोच को ही आगे बढ़ाया। अब सवाल ये उठता है कि उन्हें इतना विरोध क्यों झेलना पड़ा? शायद उनका समय ही ऐसा था जब पाप पुण्य स्वर्ग नर्क के बारे में बहुत चर्चाएं हो रही थी और महर्षि चार्वाक इन विचारों के विरोध में खड़े दिख रहे थे। राजन, चार्वाक की लोकप्रियता बढ़ती जा रही है। हाँ राजन, हमारे गुप्तचरों का भी यही कहना है कि प्रजा में चार्वाक का प्रभाव बढ़ता जा रहा है, परंतु इसमें बुराई क्या है? मैं समझ नहीं पा रहा हूं, आप चार्वाक की लोकप्रियता से प्रसन्न हैं या भयभीत? स्पष्ट कहिए, क्या आप सभी उनके विषय में सोचते क्या हैं? सोचना क्या है महाराज, वो तो एक धूर्त है, धूर्त। महाराज, विप्र का ये कथन उचित नहीं है। महाराज, मंत्री जी चार्वाक के समर्थक प्रतीत होते हैं। समस्त विप्र वर्ग का कहना है कि वो नास्तिक शिरोमणि है, प्रत्येक वस्तु और घटना पर संदेह व्यक्त करते हैं। संदेह अनुचित तो नहीं? ठीक है, करें संदेह, किसी और पर करना है तो करें, परंतु ईश्वर पर, परलोक पर संदेह कदापि नहीं, ये पाप है। चरवंति भक्षयंति तत्वतो न मन्यते, पुण्य पापादिकं परोक्षं वस्तु जात मिति चार्वाक। अर्थात जो पाप और पुण्य के भेद को नहीं मानता, जिसने इस भेद का भक्षण कर लिया हो, और स्पष्ट कहूं तो जिसने इस भेद को चर लिया हो, वही चार्वाक है ना विप्रवर? मैं चार्वाक हूं और मेरा ये परिचय आप विप्रजनों की देन है। तो फिर यदि मैं आपके द्वारा प्रस्तुत पाप और पुण्य के भेद को नहीं मानता तो मुझसे पाप न करने की आशा का क्या अर्थ है आचार्य? मंत्री जी, क्या यही चार्वाक है? राजन, अपने आचार्य और विप्र के मुखमंडल को तो देखिए, आपको क्या प्रतीत होता है कि मैं कौन हूं? और इसके पश्चात भी यदि आपको ज्ञात ना हो तो मैं स्वयं कहता हूं कि मैं गुरु बृहस्पति का शिष्य चार्वाक अपने राजा को प्रणाम करता हूं। नहीं नहीं, मैं आपको प्रणाम करता हूं। एक ऋषि का मस्तक उसके ईश्वर के समक्ष ही झुकना चाहिए।
मेरा गणराज्य, मेरा राज्य ही मेरा ईश्वर है और आप उसके अध्यक्ष यानी प्रथम पूज्य, मैं आपको सादर प्रणाम करता हूं। आपकी वाणी का प्रभाव अद्भुत है ऋषिवर, संभवतः आपकी ये मधुर वाणी ही आपकी लोकप्रियता का कारण है। राजन, यहाँ उपस्थित विप्रवर्ग आपसे सहमत प्रतीत नहीं होता। भला विप्रवर्ग को आपसे क्या समस्या हो सकती है? इसका उत्तर तो विप्र ही दे सकते हैं और यही उत्तर जानने के लिए मैं यहाँ उपस्थित हूँ। मेरा एक प्रश्न है राजन कि चारवाक का अर्थ चारुवाक अर्थात मीठी वाणी बोलने वाला होना भी संभव है, परंतु मुझे पाप और पुण्य के भेद को चरने वाला चारवाक ही क्यों कहा जा रहा है? क्योंकि आपने खंडन और कुतर्क के मार्ग को चुना है, आप संशय और संदेह के समर्थक हैं। संशय और संदेह से ही सत्य की खोज होती है आचार्य, और यदि संदेह ही मेरा अपराध है तो आपके वेद भी अपराधी हैं, क्योंकि वे भी संदेह और संशय को जन्म देते हैं। क्या आप नहीं जानते आचार्य कि वेदों के कई सूक्त संदेहवाद के समर्थक हैं? ये देखिए राजन, इनका कटाक्ष सुनिए, आपके वेद अर्थात ये वेद इनके नहीं है, ये वेदों को नहीं मानते। महर्षि याज्ञवल्क्य ने कहा है कि वेदों को प्रमाण मानो, ईश्वर की सत्ता में विश्वास रखो, मोक्ष की अवधारणा को मानो, परंतु ये तीनों को नकारते हैं, ये घोर नास्तिक है महाराज। मुनिवर, क्या विप्र और आचार्य सत्य कह रहे हैं? क्या आपका वेद ईश्वर और मोक्ष में विश्वास नहीं? प्रत्यक्षमेव एकम प्रमाण, अर्थात मैं केवल प्रत्यक्ष को ही प्रमाण मानता हूं राजन, और मैं वेद ईश्वर और मोक्ष को प्रत्यक्ष नहीं पाता। अर्थात स्पष्ट कहिए। आप कहिए राजन, क्या आपने ईश्वर को ज्ञानेंद्रियों से अनुभव किया है, उन्हें देखा है, स्पर्श किया है, कोई गंध, कोई स्वर, कोई परिचय है जिसे मैं अनुभव कर सकूं, कोई प्रमाण? अर्थात ईश्वर नहीं है। परंतु वेद तो प्रत्यक्ष है। हाँ राजन, वेद प्रत्यक्ष है, किंतु उनके शब्द प्रमाण नहीं, क्योंकि उनमें अंतर विरोध है, असत्य है, हिंसा है। हिंसा? हाँ राजन, वेद वचनों के आधार पर पशुओं की बलि दी जाती है। हाँ, क्योंकि इससे उनको स्वर्ग की प्राप्ति होती है। यदि ऐसा है तो मनुष्य यज्ञ में स्वयं को होम कर स्वर्ग क्यों नहीं पा लेता, अपने पुत्र मित्र कुटुंबियों को यज्ञ में बलि देकर स्वर्ग भेजने के स्थान पर पशुओं को क्यों स्वर्ग भेज रहा है? आप पशु बलि को उचित नहीं मानते? उचित, परंतु आप तो संपूर्ण वेदों को ही नकार रहे हैं। आचार्य, विष की यदि एक बूंद भी जल में गिर जाए तो वो विष ही कहलाएगा, जल नहीं। यदि वेद के एक सूक्त पर भी संदेह होगा तो मैं उसे प्रमाण नहीं मानूं। मेरी दृष्टि में वेदों की व्याख्या ऐसे धूर्तों के द्वारा की गई है जो केवल अपना स्वार्थ सिद्ध करने की इच्छा रखते हैं। क्या वे सभी स्वार्थी हैं जो लोगों को पुण्य की राह दिखा रहे हैं, जो लोगों के लोक और परलोक दोनों को सुधार रहे हैं? संभवतः आप भूल रहे हैं विप्र, आप उन चारवाक से चर्चा कर रहे हैं जिनकी दृष्टि में परलोक या स्वर्ग का अस्तित्व नहीं। क्या मंत्री जी सत्य कह रहे हैं ऋषिवर? हाँ राजन, मुझे ऐसे एक व्यक्ति से मिलवा दीजिए जो स्वर्ग के अनुभव हमसे साझा कर सके, मैं स्वर्ग के अस्तित्व को मान लूंगा। और इतना ही नहीं राजन, कोई वेद ईश्वर और मोक्ष को मेरे प्रत्यक्ष प्रमाण की कसौटी पर कस दे तो उसे स्वीकारने में भी मुझे कोई आपत्ति नहीं, अन्यथा इसके पूर्व मुझसे इसे स्वीकारने की आशा रखना व्यर्थ है राजन। प्रणाम। और जिसे भी मेरी ये चुनौती स्वीकार हो मैं उससे चर्चा हेतु सदैव प्रस्तुत हूं। अब आपको भी लग रहा होगा कि चार वाक अपने विचारों को लेकर कितने स्पष्ट हैं।
शायद उन्हें पहले से ही पता था कि वो एक ऐसी वैज्ञानिक सोच को लेकर चल रहे हैं जिसमें चीजों को प्रत्यक्ष प्रमाणों से ही सिद्ध करना है। क्या आपको अब भी लगता है कि विज्ञान का विकास यूरोप या चीन में हुआ, जबकि यहाँ साफ दिख रहा है कि विज्ञान का आधार देने वाली सोच के बीच भारत की मिट्टी में ही पड़े थे, फिर चाहे वो चारवाक सिद्धांत के रूप में हो या फिर उससे भी पहले। आज वायु का प्रभाव अत्यधिक तीव्र है, दीपक को जलाए रखना भी कठिन हो रहा है। वायु और दीपक की लौ का यह संघर्ष तो सदैव से है देवी, परंतु यदि अंधकार को समाप्त करना है तो दीपक को वायु से लड़ना ही पड़ेगा। आप तो सदैव ही दर्शन शास्त्र की भाषा बोलते हैं स्वामी। क्योंकि दर्शन शास्त्र ही प्रत्येक प्रश्न का उत्तर तलाशने में विश्वास रखता है। प्रतीत होता है किसी विरोध का सामना करके आ रहे हैं। देवी, क्या आपको भी यही लगता है कि मैं व्यर्थ विरोध करता हूँ? नहीं स्वामी, आप विरोध नहीं करते, आप तो बस अपना विचार रखते हैं। परंतु सभी को यही लगता है कि मैं व्यर्थ विरोध करता हूँ। मेरा मत मात्र विचारों के खंडन पर आधारित है। हाँ, खंडन तो करते हैं आप, तोड़ते हैं उनकी परंपराओं को, उनकी बनी बनाई व्यवस्थाओं को। और आपको क्या लगता है देवी, मेरा ऐसा करना उचित है? उचित अनुचित का मैं नहीं जानती स्वामी, परंतु हाँ, एक पत्नी के रूप में भयभीत अवश्य होती हूँ। इस तरह विप्र वर्ग से शत्रुता लेना, मैं ये नहीं कहती कि आप उनसे सहमत हो जाइए, एक पूरी व्यवस्था के विरुद्ध खड़े होना, इससे क्या होगा स्वामी? व्यवस्था के विरुद्ध खड़ा होना आवश्यक क्यों है? अच्छा, आपको वाल्मीकि रामायण में जाबाली ऋषि का प्रसंग स्मरण है? हाँ, भरत के साथ गए थे जाबाली ऋषि श्री राम को मनाने। उन्होंने प्रयास भी किया था कि श्री राम अयोध्या लौट आए। और क्या आपको ज्ञात है कि सभी जाबाली ऋषि को भौतिकवादी, स्वेच्छाचारी, सुखवादी मानते हैं, क्योंकि उन्होंने श्री राम को ऐसे तर्क दिए जो प्रभु श्री राम को व्यक्तिगत सुख की तरह धकेल रहे थे। हाँ, मुझे ज्ञात है, इसी कारण श्री राम ने उनके तर्कों को अस्वीकार किया। और सभी को यह लगा कि प्रभु श्री राम ने जाबाली ऋषि को अपमानित किया है, क्योंकि उनके तर्क उचित नहीं थे। हाँ, सत्य भी है, परंतु ये इस प्रसंग का एक पक्ष है। क्या किसी ने विचार किया कि प्रभु श्री राम को जाबाली ऋषि अयोध्या आने को क्यों कह रहे थे? क्यों? क्योंकि वे जानते थे कि श्री राम जैसा राजा ही अयोध्या की प्रजा के कल्याण के लिए उचित है। श्री राम के साथ प्रजा सुखी होगी, और देवी, मैं वही जावाली हूं, मैं अपमान और अपयश तो सह लूंगा, परंतु राज्य के कल्याण और प्रजा के सुख को सर्वोपरि मानूंगा। चारवाक ने हमारी चिंता को और बढ़ा दिया। हाँ विप्र, चारवाक की वाणी का सम्मोहन तो महाराज को प्रभावित कर रहा है, और ऐसे तो हमारी विजय संभव नहीं है। हाँ आचार्य, चारवाक ने जिस प्रकार चुनौती दी है कि उससे प्रजा के मन में उसके लिए यही भाव है कि वो बुद्धिमान है और ज्ञानी है, तो आप भी मान लीजिए कि वो ज्ञानी है। प्रणाम आचार्य। आचार्य श्रेष्ठ, अगर हम उसे ज्ञानी मान लें तो हमारा तो अस्तित्व ही समाप्त हो जाएगा। नहीं आचार्य, चारवाक की अत्यधिक लोकप्रियता ही उसके विरोध में उपयोग कीजिए। स्मरण रहे कि जिस प्रकार फल में अत्यधिक मिठास आने पर उसमें कीड़े उत्पन्न हो जाते हैं, ठीक उसी प्रकार चारवाक की अत्यधिक लोकप्रियता ही उसके पतन का कारण बनेगी। परंतु कैसे विप्रवर? चारवाक के सामने नतमस्तक हो जाइए, चारवाक से कहिए कि आपको उनका दर्शन स्वीकार है, प्रजा से कहिए कि चारवाक के बताए अनुसार ही
जीवन यापन करें। प्रजा से कहिए कि चारवाक और उनका दर्शन महान है। आचार्य, आप ये क्या कह रहे हैं? और इससे होगा क्या? प्रजा तो और भी प्रसन्न होगी। हाँ, प्रजा तो चारवाक दर्शन को ही लोकायत दर्शन अर्थात लोगों का दर्शन कहती है। मुझे ज्ञात है कि चारवाक का लोकायत दर्शन लोगों को प्रिय है, लेकिन एक बात है जो न तुम देख पा रहे हो और न वो चारवाक देख पा रहे हैं। यदि प्रजा को सुख के नाम पर सुख सुविधाएं प्राप्त करने के लिए स्वतंत्र छोड़ दिया जाए तो वे उचित और अनुचित का भेद भूल भी सकते हैं। चारवाक दर्शन में आखिर ऐसा क्या था जिसके प्रभाव में जनता अनुचित मार्ग पर जा सकती थी? क्या वही चारवाक और चारवाक दर्शन को गलत साबित करने का कारण बना? क्या सचमुच चारवाक और उनका दर्शन गलत था, या उनको समझने में हमसे कोई भूल? कहीं ऐसा तो नहीं कि चारवाक को नकार कर हम विज्ञान को ही नकार रहे हैं? जानेंगे चारवाक की कथा के अगले अंक। तब तक के लिए जुड़े रहिए भारत विक्रम से और हर शनिवार शाम 6 बजे देखिए भारतीय ऋषि वैज्ञानिक श्रृंखला का एक नया। तब तक के लिए नमस्कार। भारत विक्रम भारत वर्ष की अक्षय कीर्ति गाथा।